चुकी है। सीएम ने इस घटना में मरे लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं अब भी कई लोगों का इलाज अस्पतालों में जारी है। जहरीले जाम ने छीन ली खुशियां। प्रशासन की बड़ी लापरवाही। 56 मौतों से हिल गया उत्तर प्रदेश। सीएम हुए सख्त, हरकत में आए अधिकारी। पल भर में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। चंद सेकेंड्स में ही चीख पुकार मच गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अब अगर इन घरों में कुछ है तो वो है मातमी सन्नाटा। सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब की वजह से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम की सख्ती के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे अधिकारी जागे और मृतकों के परिजनों तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम शुरू हुआ। अभी तक हमारे पास जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टोटल पोस्टमार्टम हुए हैं उनकी संख्या 46 है और इन 46 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मैंने भी देखी और सीएमओ के साथ बात करने के बाद उसमें डॉक्टर्स का कहना ये है कि 35 केस के लगभग 35 या 36 केस ऐसे हैं जो क्लियर कट केस हैं और उनमें अल्कोहल कंजम्पशन के चलते मृत्यु हुई है। जो सभी थानों में क्रैकडाउन किया गया है इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए जॉइंट मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर कार्रवाई की गई है। लगभग 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 25 FIR रजिस्टर किए गए हैं। 400 लीटर के ऊपर कच्ची शराब भी बरामद की है। इसके अलावा एक भट्टी बड़गांव में भी पकड़ा गया है लगातार। इसके अलावा प्रदेश के आला अधिकारियों ने बड़ी बैठक करके आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही इस घटना के बाद से जागे प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी करके जहरीली शराब का काला कारोबार करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब देखना होगा कि सरकार इस घटना से सबक लेते हुए कौन से ठोस कदम उठाती है ताकि फिर कभी ऐसी घटना दोबारा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जहरीली शराब को लेकर लखनऊ SSP कलानिधि नैथानी का बयान सामने आया। कलानिधि नैथानी ने शराब तस्करों और माफियाओं पर नजर रखे जाने की बात कही, साथ ही दूसरे स्टेट से राजधानी में शराब पर लगाम लगाने की बात भी कही है। कुशीनगर और सहारनपुर में जिस तरह से जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद लखनऊ पुलिस भी एक्शन में है। तमाम कार्रवाई की गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं, अवैध शराब पकड़ी गई है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं SSP कलानिधि नैथानी। सर किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है इन घटनाओं के बाद? अभियान देखिए लगातार यहाँ पे जारी रहा। एंटी क्राइम हेल्पलाइन भी हम लोगों का पहले से इंस्टीट्यूट था जिस पर सूचनाएँ आती थी, गिरफ्तारियाँ हो रही थी। पिछले 6-7 महीने में लगभग 35,000 से 40,000 लीटर अवैध शराब हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें कई वाहनों से जो ट्रांसपोर्ट होता था उनको सीज भी किया गया। वो जो कार्रवाइयाँ होती थी अलग अलग समय पर अलग अलग थाने पे होती थी, तो कल लेकिन हम लोगों ने सभी थाना क्षेत्रों में रात भर जो है रेड्स करवाई हैं। 40 लोग अरेस्ट हैं, लगभग 1700 लीटर शराब बरामद है, कई क्विंटल लहन हम लोगों ने नष्ट किया है। जो पहले माफिया थे शराब में चिन्हित, जो गैंगस्टर थे जिन पर गैंगस्टर लगाया गया था, उन सब पर विशेष निगाह रखी गई है, उनको तस्दीक किया गया है। LIU से इनपुट लिया गया, आबकारी विभाग से इनपुट लिया गया है और जनता से इनपुट हम लोग ले रहे हैं। इस तरह से ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी जो QRTs बन गई हैं जिसमें CO हैं, SHO कंसर्न चौकी इंचार्ज हैं, इनको हम लोग एक्टिव रखेंगे और पूरा चुनाव के दौरान तो विशेष नज़र हम लोग रखेंगे कि इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और अवैध शराब का जो ये कारोबार है इस पर पूर्णतः अंकुश लगे। सर अगर आबकारी की बात करें तो क्या आबकारी का वो सहयोग मिल पाता है लखनऊ पुलिस को जो मिलना चाहिए? अब मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है और कल भी हम लोगों ने साथ में मीटिंग करी है। इसमें सभी अधिकारी उनके मौजूद थे, पुलिस के साइड से मौजूद थे और जितनी QRTs बनी है उसमें उनके अधिकारी नामित, वो भी उसके लिए भी कहा गया और आबकारी की जो संयुक्त ऑपरेशंस हैं इसमें सभी का सहयोग रहता है, मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल लखनऊ के SSP कलानिधि नैथानी थे ये। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद जिला प्रशासन, लखनऊ पुलिस और आबकारी एक संयुक्त टीम बनाई गई है और लगातार जो है चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों हो सभी जगह ये अभियान चलाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी पकड़ी गई है, लोगों को गिरफ्तारियां भी की गई हैं और आगे भी अभियान इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन महीप साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। ADG जोन लखनऊ राजीव कृष्ण की अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, वो खत्म हो